संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले कल विपक्ष द्वारा मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर हंगामा करने के बाद संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार यानी कि 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ से आग्रह किया कि वे मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अन्य सभी कार्यों को निलंबित करें और इस मामले पर विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी संसद में बयान थे। इस बीच पीएम मोदी ने सांसदों से कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा के लिए संसद के मानसून सत्र का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया है। जहाँ तक मानसून सत्र के कामकाज का सवाल है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सत्र के लिए 31 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें 11 अगस्त को सत्र समाप्त होने से पहले 17 बैठकें होगी। गुरुवार को मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं की निंदा की और कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।